ग्राउंड न्यूज में हूँ आपके साथ विनोद कुमार। अभी हरियाणा में सफाई कर्मचारी का जो हड़ताल चल रहा है वो पिछले 3 महीने से लगातार जारी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी लगे हैं, सफाई कर्मचारियों का हुजूम है और ये रैली निकाल रहे हैं। ये इनकी जो मांग है 3480 कर्मचारी को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया था, उनको फिर से बहाल करने को लेके तमाम तरह की मांग है। यहाँ पे हम इनसे बात भी करना चाहेंगे और इनसे जानते हैं, सर आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राम सिंह साक्षर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुड़गावा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आज गुड़गावा के अंदर ये 3480 कर्मचारी जो हटाए गए हैं बिना नोटिस दिए, उनके संदर्भ में नगर पालिका कर्मचारी संघ का कर्मचारी हड़ताल पर चल रहा है। आज 76 दिन हो गए हैं और 76 दिन के बाद भी अभी तक किसी तरीके का कोई समाधान नहीं किया। यहाँ नगर निगम प्रशासन दूसरे तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए इन कर्मचारियों के जो कि नोटिस जारी कर रही है, इनको टर्नमेंट करने का काम कर रही है और यहाँ तक कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाने में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अभी आपको हाल ही में अंदर कर दिया गया था, क्या आरोप लगा था आप? हमारे को आरोप लगाया गया था कि किसी ठेकेदार से हम रंगदारी मांग रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी ठेकेदार से आज तक हमारा कैरियर के अंदर ये आप साबित नहीं कर सकते कि हमने किसी से रंगदारी नाम की कोई चीज़ मांगी है। हमारा अपना ठेकेदारों से एक संबंध बना रहता था, एक संपर्क था कि जब भी कोई हड़ताल जैसा मतलब कठोर कदम हो या कोई हमें आंदोलन करना हो या कहीं रैली ले जानी हो तो उनकी तरफ से एक चंदे के रूप में जो है कि हमें सहयोग मिलता था, वो सहयोग इन्होंने हमारे ऊपर रंगदारी के नाम में तब्दील करने का काम किया और हमारे को जो है कि FIR दर्ज करा करके मुकदमा दर्ज करा करके अंदर भेजा गया। अभी आज आप फिर से रैली निकाल रहे हैं, आपको किन शर्तों के साथ जमानत मिली? हमारे को उसमें हम निर्दोष था, निर्दोष पाए गए, उसमें हमें जमानत मिली है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो रैली निकाल रहे हैं ये हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर निकल रही है। गुड़गावा के अंदर 76 दिन से हड़ताल चल रही है, हमने निगम प्रशासन को काफ़ी समय दिया सोचने के लिए, इन 3480 कर्मचारियों को वापसी रोजगार पर लगाने के लिए। इनको 21 सितंबर से बेरोजगार किया गया, उसके बाद हमने 11 अक्टूबर तक लगातार समय दिया, बार बार उनको चेताया कि इन कर्मचारियों को आप रोजगार पर वापस लें, लेकिन निगम प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं। अगर हम बात करें निगम प्रशासन की, नहीं सुध ले रहे, शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने 1 सप्ताह के अंदर शहर को साफ करने का निर्देश दिया है और अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया है, क्या शहर साफ हो पाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कर्मचारी वो कोरोना योद्धा कर्मचारी हैं जिनको हरियाणा सरकार ने कोरोना वॉरियर ठहराया हुआ है और सफाई का कार्य का इन्हें जो अनुभव है वो किसी दूसरे को अनुभव नहीं है। ये कर्मचारी बेहतर तरीके से शहर को साफ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन निगम प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। इनको उल्टा तानाशाही रवैया दिखा रही है और इनको जो है कि टर्नमेंट करने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि निगम कमिश्नर हाउस में आकर के इन कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करने का काम करे और जो शहर की व्यवस्था आज खराब हुई है, जो शहर के हालात खराब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निगम प्रशासन की देन है और ये कर्मचारियों को आदेश दिए जाएं कि वो अपने अपने कामों पर लौटें। हमें जो है कि बैठ करके टेबल पर समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलावा दें और हम उम्मीद करते हैं निगम कमिश्नर से वो जल्द से जल्द हमें बुला करके हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। अभी आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, इतने कर्मचारी लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है मांगे कब तक पूरी हो सकती है आपकी? देखो, हमने कोई ताजमहल लाल किला नहीं मांग रखा, हमने सिर्फ ये मांग रख रखी है कि जो 3480 कर्मचारी बेरोजगार किए हैं उन कर्मचारियों को रोजगार देने का काम करें। हमने ये मांग कर रखी है कि जो हमारी महिलाएं कर्मचारी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होती हैं उनको शौचालय बना करके एक हाजिरी सेट बनाने की का काम करें। हमने ये मांग कर रखी है कि जो हमारी तनख्वाहों से PAPSI काटा गया है उस PAPSI को हमारे UN नंबर में डालने का काम करें। हमने ये मांग कर रखी है जो हमारे रोका हुआ वेतन है उस वेतन को देने का काम करें।
हम सिर्फ और सिर्फ ये मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करके ही खुश हैं, हम मेहनत कर करके ही अपना पेट का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवारों को चलाते हैं। हमें कोई लाल किला, ताजमहल नहीं चाहिए या ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ आवश्यकता है हमारे रोजगार की, ताकि हम समय पर बच्चों की फीस दे सकें, मकान मालिक का किराया दे सकें, परचूनी को उसका पैसा सामान का हम दे सकें। अभी आपका ये मार्च कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाला है? ये आज हमारा जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन अग्रवाल चौक तक जाएगा। अग्रवाल चौक से हमारा बस अड्डे के पास फुहारा चौक है, फुहारा चौक से वापसी अपने सिविल अस्पताल में जाकर के पहुंचेगा। प्रदर्शन चल रहे हैं, इनसे बात करेंगे, आपकी क्या मांग है? सर, हमारी मांग है, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरा नाम रीना देवी है और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग 3,3480 आदमी नौकरी से निकाल रखे हैं, हमारे वे साथी ड्यूटी पे वापस लिए जाएं और जो हमारे 26 साथियों के जो लेटर निकाल रखे हैं उन्हें बाइज्जत भरी ड्यूटी पे वापस लिए जाएं, उनके जो लेटर है बर्खास्त करे जाए और हमारे जो साथियों पे जो केस लगा रखे हैं वो केस खत्म करे जाए। हमारी मांगे ये हैं। हम अभी यहाँ पे हम कुछ और लोग से भी बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनमेला भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3,480 कर्मचारी हटा रखे है सरकार ने, एक ही कलम से हटा दिए, ये जाए कहाँ? हम ये कह देना चाहते हैं कि इनको नौकरी पे वापस लेने का काम करे सरकार, इनके बच्चों का, ताकि भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि हमने दिवाली भी काली दिवाली के रूप में मनाई है और हम ये कह देना चाहते हैं सरकार से, या तो इनको नौकरी पे वापस लेने का काम करे सरकार, वरना ये कर्मचारी इतना कमजोर नहीं है कि अपना हक अधिकार नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में लोग हैं, बहुत काफी संख्या में सफाई कर्मचारी है। सर, हमारा लगातार 76 दिन हो गए इस प्रदर्शन को चलते हुए और हमारा निगम प्रशासन और खट्टर सरकार हमारी किसी जायज मांग डिमांड को सुनने को तैयार नहीं है और हम मजबूर हैं रोड पे बैठने के लिए, और ये सरकार प्रशासन कितनी ताकत लगा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे साथियों को जेल भी जाना पड़ा है और हम साथी आज भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। निगम प्रशासन को ये नौकरी वापस लेने पड़ेंगे, 3,480 का कर्मचारी, जब तक ये सरकार प्रशासन अपने रवैये को नहीं सुधारेगी और नहीं हमारे कर्मचारी वापस लेगी, तो तब तक ये हड़ताल लड़ाई चलती रहेगी, ये प्रदर्शन ऐसे रहेगा, चाहे हमारी आखिरी सांस तक लड़ाई हम बिल्कुल नहीं हारेंगे ना पीछे हटेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे बुजुर्ग कर्मचारी भी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रदर्शन के बारे में, इतना लंबा समय से चलता है? सर, हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं ब्रह्मपाल पाल के रहे हैं, हमें हड़ताल करने का शौक नहीं बिल्कुल भी, समझ ना, जब हम भूखे मुने के अनुभव आते हैं हम हड़ताल करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया करके हमारी मांगों पर बहुत जल्द से जल्द समाधान किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से इकाई प्रधान। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इस सफाई व्यवस्था को खराब करने में हमारे नगर निगम कमिश्नर का बहुत बड़ा हाथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम सफाई कर्मचारी अपनी मांग मुद्दों को लेकर इनके पास अपने ज्ञापन लेने गए तो इन्होंने हमसे झूठे आश्वासन दिए। दो दौर की वार्ता हो चुकी और उन दोनों दौर की वार्ता में इन्होंने ये कहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं, आप जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, लेकिन जायज तो है लेकिन मानते तो है लेकिन करने में और में बड़ा फर्क है। आज तक भी इन्होंने कोई भी मांग डिमांड पूरी नहीं की। 3,480 सफाई कर्मचारी मैन पावर के ठेके में थे, उन ठेकों में से उनको हटाकर ओएनडम में कर दिया। ओएनडम का मतलब ये है कि उनका कभी कोई भविष्य ना था ना कभी होगा। हम लगातार क्रम में मांग पत्र दिया और उनका विरोध करते आए, इसके बाद इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। आज हमारी हड़ताल को 76 दिन हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव का सफाई का निरीक्षण करके गए, उन्होंने कमिश्नर साहब का जुर्माना करा 15 दिन का और जॉइंट कमिश्नर का 1 महीने का जुर्माना करा, लेकिन इस जुर्माने से सफाई कर्मचारी की मांगे तो हल नहीं होती ना। मांगे तो इनकी जब ही हल होंगी, जब इनकी नौकरी बहाल होगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो गुड़गांव क्या पूरा हरियाणा ही कूड़ा ग्राम बन जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारी अब तक कोई बातें नहीं मानी है, जिसका विरोध करते हुए हमारे कर्मचारी साथी आप देख रहे हो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 74 दिन की हड़ताल में तब्दील हो गई है हमारी हड़ताल, और मैं आशा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये खबर पूरे हरियाणा में फैलाएं, ताकि कर्मचारियों के जो बेरोजगार हुए 3,480 कर्मचारी हैं
और जो कर्मचारियों के लेटर निकले हुए हैं, सस्पेंड किए हुए हैं, उनको सरकार बहाल करे और हमारी मांगों को माने। हमारी मांग तो यही है सरकार से, हमारे गुड़गांव में 3400 कर्मचारी हटा दिए, एक तरफ सरकार सफाई अभियान चलाती है और एक तरफ कर्मचारियों के पेट पर लात मारती है। ये बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आने वाले समय में ना तो ये सरकार रहेगी, ना ये जो समाज सरकार के जो विरोध पार्टी है ना ये रहने देंगे। जो खट्टर साहब सफाई अभियान चला रहे, खट्टर साहब से चुनौती देना चाहते हैं। खट्टर जी, या तो आप इस शिफ्टी में आ जाइए, ना तो ये सरकार आपकी रहेगी ना आप रहोगे। सफाई अभियान चलाने के लिए बाहर बाहर से बिहारी बंगाली का नाम बहुत दूर दूर से 8000 रुपये सैलरी देते हैं, किसी की 7000 देते हैं, किसी की 5000 देते हैं। गुड़गांव में डीसी रेट था 16000 रुपये सैलरी और सरकार और निगम प्रशासन एक चाल कहते हैं 10000 रुपये सैलरी का। जायज मांग हमारी यही है 3400 कर्मचारी को ड्यूटी पे वापिस ले और जो हमारी मांगे हैं कच्चे कर्मचारी को पक्का करे और स्थायी रूप से जो हमारे महिला जाती है शौचालय के लिए वो शौचालय बनवाए, क्योंकि ये सरकार ने सफाई अभियान चला रखा है। सफाई अभियान कैसा, एक तो शौचालय में हमारी महिला शक्ति सफाई कर्मचारी उनको एक योद्धा कहा गया, कोरोना काल का योद्धा, सफाई कर्मचारी को कोरोना काल का योद्धा कहा। और जो यहाँ के विधायक मंत्री है वे सफाई अभियान चला रहे। कोरोना काल में आप कहाँ थे, जब तो आप अपने घर में बच्चों को लेकर अपने परिवार को लेकर घर में घुसे बैठे थे, आज सफाई अभियान चला रहे हो, 3400 कर्मचारी के पेट पर लात मार दी सरकार ने। ऐसी सरकार धिक्कार है, जो सरकार पहले तो सच्चे वादे करती है बाद में अब मुकर जाती है उन बात पे। इस सरकार को 2024 में हम उल्टा पलटा दिखा देंगे इनको, हमारे पेट पर लात लगे। आम जनता से कहना चाहते हैं हमारा दर्द समझे, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है ना, हमारे पास जायज है ना जमीन है ना हमारे पास इतना पैसा जो अपने बच्चों को पाल सके। हमारी एक नौकरी है ये जो सरकार ने छीन लिया। ये सरकार चाहती क्या है, गरीबों की, गरीबों के पेट में लात मारी है। एक तो कहते हैं सफाई अभियान चला रहे हो, पूरे गुड़गांव को चमका दो। अरे खट्टर सरकार, अगर आपको चमकाना पूरा शहर, पहले उन 34 कर्मचारियों की दुख सुने। मेरा नाम रामवीर है और मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, जो ये गरीब आदमी सबसे निचले तबके के लोग हैं, इनका जो ये रोजगार छीना है ना, इनको इसे ना उसी तरीके से वापस कर दिया जाए। ये बहुत से हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन पे घर में मकान का किराया नहीं है, जिनके बच्चों का जो स्कूल में जो जाते थे वो फीस देने के कारण ना देने के कारण उनके बच्चों का नाम भी काट दिया गया है। इसलिए हम सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो ये 3480 कर्मचारी हैं इनको इनका इनको वापस ड्यूटी पे ले लिया जाए और जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया जाए। गुड़गांव नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों ना कर रही है मनोहर लाल खट्टर साहब, और क्यों है अपना जुर्माना, अभी जुर्माना तो लगा है, जुर्माना लगाने का क्या फायदा जबकि इनका करोड़ों का घोटाला है। आप किसी भी चीज में देख लें ये अधिकारी भ्रष्ट है, इनका ट्रांसफर से और जुर्माना वही 200-400 एक महीने की तनख्वाह काट के देख रहे हैं, जबकि सफाई कर्मचारियों की 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई, ओड है 10 महीने का PF है। इन अधिकारियों के ऊपर एक बार कार्रवाई करके देखें, ट्रांसफर से क्या फायदा। जो व्यक्ति अगर दोषी पाता है नगर निगम के, चाहे PC मीणा जी हुए चाहे निगम का कोई भ्रष्ट अधिकारी हुआ, इनकी आप जांच करें और इस जांच के दौरान में जो अधिकारी दोषी पाते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करें। क्यों आखिर ट्रांसफर करके अपने अधिकारियों को बचा रहे हैं? नहीं, अभी किस लिए आ जाए आप? अपनी नौकरी के लिए ही आए हैं। क्या हुआ, आप नौकरी से हटा दिया है? हटाया तो नहीं है जी, अभी तो लुगुलर में चले हुए हैं, पर तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, पक्के नहीं हो रहे हैं। मेरे 300 बंदे इतने हटा रखे हैं, उनके लिए मर रहे हैं साहब जी। तो अभी आप काम पे जाते हो या नहीं जाते हो? नहीं, दरी पे बैठे हैं जी। धरना पे बैठे तो तनख्वाह तो नहीं मिलती होगी फिर? नहीं, अभी तो नहीं मिली जी, पर लेना चाह रहे हैं जी। जो ये हमारे 3480 कर्मचारी हैं, ये बहुत ही बेचारे अपना गुजारा तो कर नहीं पाते हैं बिना काम के, अब इनको इन काम से और हटा दिया, अब बताओ ये अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो सरकार से हमारी बस यही अपील है कि हमें ना जल्दी से जल्दी हमारा काम दे दिया जाए, ताकि हमारे भी बच्चों का भविष्य जो वो सुधर पाए। मैं क्या बोलूँ, बस रोजगार मिल जाए इससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो 3480 सफाई कर्मचारी है जिसे हरियाणा सरकार की तरफ से इनके द्वारा जो कहा जा रहा है तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया और इनकी मांग है कि उन्हें बहाल किया जाए। इसके अलावा भी इनकी कई सारे मांग है जिसके लिए लगातार पिछले 3 महीने से संघर्ष करते आ रहे हैं और पिछले 76 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है और आने वाला वक्त ही बताएगा इनकी मांग कौन सा रुख लेता है। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक्शन लेते हुए
कुछ अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है और एक सप्ताह के अंदर शहर की सफाई करने का भी आदेश दिया है। एक तरफ सरकार की अपना रुख है और एक तरफ सफाई कर्मियों की अपनी मांग है। देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए द ग्राउंड न्यूज़ के साथ।